हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए 11th का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिनका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जान लें। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री प्रायोगिक विज्ञान का एक शाखा है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। चेंज टेक प्लेस इन मैटर, उसके बाद पदार्थ में कैसे परिवर्तन होता है उसको पढ़ते हैं। एंड द लॉ विच गवर्न दीज चेंजेज, और जिस नियम से पदार्थ में चेंजिंग होता है, चेंज आता है, उस नियम को हम जानते हैं। अब केमिस्ट्री का एक दूसरा परिभाषा है कि ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम पढ़ते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स, जिसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, आयंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसके बाद और मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर सबसे पहले हम इस टॉपिक में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या होता है, कैसा होता है, उनके गुण क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये सभी हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पदार्थ के बारे में। मैटर, मैटर यानी पदार्थ। एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज मास, ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। हम देखते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में जो भी वस्तुएं होंगी जिनका अपना मास होगा और वह स्थान घेरती हो, तो वह पदार्थ कहलाएगी। एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज मास ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी वस्तुएं हमारे आस पड़ोस में होंगी जिनके पास मास होगा और वह कुछ स्थान घेरती हो, तो वह पदार्थ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लकड़ी, पेन, बुक, एयर, वाटर, ये सभी पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं कि पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। यह कोई पदार्थ है, यह देखिए छोटे छोटे कण से इनका निर्माण होता है, और यह छोटे छोटे कण टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ढेर सारे परमाणु एक जगह मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करती है। अब हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण दो तरीके से होता है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन आते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन आते हैं। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड आएंगे, फिर लिक्विड आएंगे, फिर गैस आएंगे। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले एलिमेंट आएंगे, फिर कंपाउंड आएंगे, फिर मिक्सर आएंगे। इस तरह से हमने पदार्थ का क्लासिफिकेशन देख लिया, पदार्थ का वर्गीकरण देख लिया। अब हम सॉलिड के बारे में जानेंगे।
आइए देखते हैं सॉलिड क्या होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था, इन विच जिसमें पार्टिकल्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड। देखिए सॉलिड में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं और बंधे हुए होते हैं, मोस्ट क्लोजली पैक्ड, काफ़ी नज़दीक और एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होकर बंधे हुए होते हैं। तो इस टाइप के जो भी मटेरियल्स होंगे वह सॉलिड होंगे। इसके बाद इसका एग्जांपल देख लेंगे तो मेटल्स, लाइक मेटल्स, देखिए आयरन, कॉपर, इसके बाद क्रोमियम, ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स में क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह एक दूसरे से एकदम सटे हुए, चिपके हुए, बंधे होते हैं। यहाँ पर हमने सॉलिड का एक फिगर दिया है, यहाँ पे हमने सॉलिड का एक एग्जांपल दिया है जिसका चित्र आप देख सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से सजे हुए होते हैं, एकदम अरेंज होते हैं और बहुत ही नज़दीक होते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की विशेषताएं। अब हम सॉलिड की विशेषताएं के बारे में समझेंगे कि सॉलिड की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए सॉलिड का वॉल्यूम, साइज एंड शेप जो होता है डेफिनेट होता है, डेफिनेट करने का मतलब फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है। अब सॉलिड का दूसरा प्रॉपर्टीज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता, यानी दो मॉलिक्यूल, सॉलिड के दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण का जो बंधन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही हाई होता है। इसके कारण वो एक दूसरे से, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही कस कर बंधे हुए होते हैं और एक दूसरे को दूर जाने से रोकते हैं। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में जानेंगे तो उनका डिस्टेंस मिनिमम होता है, यानी सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। इस तरह से यहाँ पर देख लें, ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस मिनिमम होता है सॉलिड में। इसके बाद मॉलिक्यूलर मोशन, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल का मोशन, सॉलिड के मॉलिक्यूल का मोशन। आप जानते हैं कि मोशन करने के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है, बट सॉलिड में स्पेस मिनिमम होता है तो मॉलिक्यूल का मोशन भी क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, मॉलिक्यूल का मोशन भी मिनिमम होगा। इसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह भी मिनिमम होता है। अब मिनिमम कैसे होता है आप देखेंगे कि देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा, यानी सॉलिड में मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन मूवमेंट होने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, लेकिन सॉलिड में तो डिस्टेंस मिनिमम होता है,
तो मिनिमम डिस्टेंस होने के कारण मॉलिक्यूल का मोशन यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल का मोशन बहुत ही कम होगा। तो जब मॉलिक्यूल का मोशन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम होगा यानी मिनिमम होगा। अब आते हैं थर्मल एनर्जी। देखिए थर्मल एनर्जी किसी भी बॉडी का अपना वो एनर्जी होता है। तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड का जो बॉडी होता है उसका अपना जो ताप होता है बहुत ही मिनिमम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वह किस तरह से होता है, मतलब कैसा होता है। तो मोस्ट अरेंज सॉलिड का जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वह मोस्ट अरेंज होता है यानी कि अधिकांश अरेंज होता है, इधर उधर नहीं, एक रंग मतलब इधर उधर नहीं रहता है, एकदम से अरेंज होता है। इसके बाद डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, वो हाईली डेंस होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एकदम एक दूसरे से इतने पास होते हैं, एकदम हाईली डेंस होते हैं वो, मतलब उनका घनत्व जो है सो बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड का। अब देखते हैं रिजिडिटी यानी कठोरता की, सॉलिड की विशेषता यानी कठोरता में किस तरह का कठोरता होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कठोर होता है। तो यहाँ पे हाईली रिजिड लिखा हुआ है। देखिए वोलाटिलिटी, सॉलिड के बारे में अब हम जानेंगे वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का मतलब वाष्पशीलता वाला गुण, लिस्ट वोलेटाइल यानी कि बहुत ही कम, लिस्ट का मतलब बहुत ही कम, लिस्ट वोलेटाइल होता है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फ्लो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल का जो फ्लो होता है सो नेग्लिजिबल, यानी नेग्लिजिबल का भी मतलब वही होता है, बहुत ही कम। मॉलिक्यूलर फ्लो नेग्लिजिबल यानी मॉलिक्यूल का फ्लो बहुत ही कम होता है। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी यानी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब सॉलिड को अगर हम प्रेस करके देखते हैं, एग्जांपल मान लीजिए ये सॉलिड है, हम मान लिए कि ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस करेंगे यानी दबाएंगे, जैसे ही दबाते हैं तो ये दबेगा तो ठीक है, पता चला कि हाँ ये दब रहा है, अगर यह नहीं दबता है तो यह सॉलिड होता है। और हम ऐसा ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रेस नहीं हुआ, सॉलिड है बट यह प्रेस होता है, बिकॉज इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सो मिनिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें है लेकिन बहुत ही कम, जिसके वजह से यह प्रेस होता है। लेकिन साधारणतः हम देखते हैं कि यह प्रेस नहीं हुआ तो ऐसे हम बोल देते हैं कि यह प्रेस नहीं हुआ, यह सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में प्रेस होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बोल देते हैं। अब देखिए एक्सेप्शंस कुछ आता है, ये रबर फोम प्लास्टिक। अब ये देखिए यह भी एक तरह का सॉलिड होता है, इस तरह के सॉलिड को हम सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं, यानी यह स्यूडो सॉलिड होता है, स्यूडो सॉलिड यानी झूठा सॉलिड होता है। रबर फोम प्लास्टिक ये सारे स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, और स्यूडो सॉलिड्स को हम सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। अब सॉलिड में टाइप्स ऑफ मोशन, उनके सॉलिड में टाइप्स ऑफ मोशन यानी सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का मोशन किस तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में ओनली वाइब्रेशनल मोशन होता है, ओनली वाइब्रेशनल
मोशन ओनली। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट होता है तो वह मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन में। वाइब्रेशन करने कहने का मतलब मॉलिक्यूल इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो सॉलिड में एक ही प्रकार का मोशन पाया जाता है। अब हम सॉलिड के बाद लिक्विड की ओर चलेंगे। अब हम लिक्विड के बारे में जानेंगे।